बात किया जाएगा मानवाधिकारों को लेकर। मैं मानवाधिकार को लेकर क्यों बात कर रहा हूँ, इसके पीछे की वजह भी मैं बताऊंगा। जिस तरह से मानवाधिकार के कुछ प्रमुख मानवाधिकार के बारे में आपको बता रहा हूँ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, बहुत सारे मानवाधिकार हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ प्रमुख बताया, इसके पीछे की वजह जानिए। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में देश दुनिया मनाएगी, लेकिन देश में जिस तरह से मोदी सरकार है उसको लेकर मानवाधिकार पे बार बार सवाल उठता है। आप बीते दिन देखे होंगे जिस तरह से गौरक्षक के नाम पे लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया जाता था, वो चाहे मुस्लिम समुदाय से, चाहे हिंदू समुदाय से, चाहे किसी भी समुदाय से लोग आते थे। लेकिन आप लोग जानते ही हैं जिस तरह से जो देश दुनिया है, इजराइल और फिलिस्तीन जिस तरह से युद्ध चल रहा है, एक साल से ऊपर ये युद्ध हो चुका है, जिस तरह से वहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसको लेकर देश दुनिया चिंतित में है। मैं आपको बताऊँ, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध था वो 7 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ हुआ। हमास संगठन के द्वारा इजराइल पर हमला होता है और वहाँ उस हमले में इजराइल के 1200 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद से लगातार ये युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से वार प्रतिवार चलता है और आज भी ये युद्ध जारी है। लेकिन अब ये युद्ध सिर्फ इजराइल, फिलिस्तीन और हमास के बीच नहीं रह गया है, इसमें तमाम देश इन्वॉल्व हो गए हैं। हिजबुल्ला संगठन सीरिया का भी बताया जा रहा है वो आ गया है, ईरान खुलकर आ गया है, जितने भी मिडिल ईस्ट देश हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं वो अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस युद्ध में कूट पड़े हैं, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीकों से। लेकिन मैं बताऊंगा ये जो युद्ध है वो किसके तरफ अब जाता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर, आप वहाँ के जो एजेंसियाँ हैं, वहाँ के जो मीडिया है, वहाँ से आप देखेंगे, सुनेंगे, अल जजीरा जैसे बड़े जो चैनल हैं वहाँ से देखेंगे, और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम जो जो देश दुनिया पर नज़र रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आशंका जता रहे हैं कि यह जो युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध के तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की वजह क्या है। तीसरा विश्व युद्ध, दो विश्व युद्ध दुनिया देख चुकी है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैं उसके कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध, ये युद्ध 1914 में प्रारंभ होता है और ये युद्ध 1918 तक चलता है, लगातार 4 वर्षों तक ये युद्ध चलता है और इस युद्ध में तमाम लोगों की जानें जाती हैं, तमाम जो देश हैं, और करीब 2.5 करोड़ लोगों की जानें चली जाती हैं, तमाम जीव जंतु पौधे, तमाम हानियां होती हैं, तमाम घर नष्ट हो जाते हैं, तमाम आसियाने उजड़ जाते हैं, मलबे, तमाम देश मलबे के रूप में बिखर जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है, 1945 तक ये युद्ध चलता है और उसमें करीब 7 करोड़ लोग मारे जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा नरसंहार होता है, उसमें परमाणु बम का भी प्रयोग किया जाता है, तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है। मैं वो सारे मिसाइल्स आपको बताऊंगा और जिस तरह से जापान को उस समय नष्ट कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा, हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस तरह से परमाणु बम गिराया गया था, वहाँ कितना जन धन वनस्पति का हानि हुआ था, मैं वो भी आपको बताऊंगा ये आंकड़े के साथ। और जो तीसरी विश्व युद्ध के तरफ
विश्व चल रहा है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पर इन विश्व युद्धों के पीछे का मेन वजह क्या है, कारण क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि विश्व युद्ध आखिर होता क्या है। विश्व युद्ध जहाँ तक ये रिसर्च निकालने के बाद पता चला है कि जो साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं वो देशों के जो उपनिवेशिक देशों में लूट और बंटवारे की वजह से ये युद्ध प्रारंभ होता है और तमाम जो हानियां हैं वो छोटे छोटे देशों को भुगतनी पड़ती हैं। जन धन वनस्पति और तमाम उनकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक सारा का सारा दस्तावेज मलबे में तब्दील हो जाता है और उनकी कम से कम 4 से 5 पीढ़ियां उस युद्ध से उभरने में समय लगता है। मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा जिस तरह से वही अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पे परमाणु बम गिराया गया था जिसके परिणाम स्वरूप हिरोशिमा में 140,000 निर्दोषों की जान चली गई थी। वही बात किया जाएगा नागासाकी में तो नागासाकी में 74,000 निर्दोष लोगों की जान गई थी। जीव जंतु वनस्पति विकिरण से प्रभावित होती हैं। नागासाकी में 74,000 निर्दोषों की जान चली गई। वही जीव जंतु वनस्पति और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो विकिरण से आज भी ग्रसित हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद ये लोकतंत्र नहीं, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद ये आतंक का दूसरा नाम है। लोकतंत्र के नाम पे, समाजवाद के नाम पे जिस तरह से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ये महत्वाकांक्षा के अलावा कुछ नहीं है। इनका मकसद सीधा और साफ होता है, बाजारों पे कब्जा, प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा, लूट और श्रम शक्ति का शोषण। लूट और जो श्रम करने वाले लोग हैं उनका बड़े स्तर पे शोषण, ये लोकतंत्र और समाजवाद के बहुरूपिया जो हैं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, आप इनसे बचिए। मैं दूसरी तरफ आपको बताऊंगा जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटम बम से किस तरह से नरसंहार हुआ, जीव जंतु वनस्पतियां आज भी उस नरसंहार से उस विकरण से ग्रसित हैं। मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा। आज के डेट में बहुत से ऐसे देश हैं, 10 ऐसे देश हैं जो एटम बम से लैस हैं। मैं बताऊंगा कि आज के डेट में विश्व में कितने एटम बम हैं। कुछ प्रमुख देश हैं जो अपने सैन्य शक्ति लगातार बढ़ा रहे हैं, मैं उनमें से कुछ बताऊंगा जिनके पास जो परमाणु शक्ति है, जो परमाणु शक्ति से लैस हैं। मैं 10 देशों का आंकड़ा बता रहा हूँ। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया, ईरान को भी इन देशों में गिना जाता है। हालांकि अभी उसके पास परमाणु बम नहीं है परंतु उनकी क्षमता है, वो कभी भी परमाणु बम बना सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस के पास सबसे ज़्यादा है, जो स्टॉकहोम एक एजेंसी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। वही दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास भी है, अमेरिका आता है जिसके पास 6,800 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस आता है तीसरे नंबर पे जिसके पास 300 परमाणु हथियार फ्रांस के पास हैं जो तीसरे नंबर पर आता है। वही ब्रिटेन के पास 215 है, चीन के पास 200 है, तो ही पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास मात्र 120 और इजराइल के पास 80 परमाणु आयुध हैं। महाविनाश, अगर बात की जाए परमाणु हथियार के यूज, यानी कि जब ये यूज होंगे तो महाविनाश महापरले आ जाए। और इन्हीं परमाणु हथियार को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका लगातार जताई जा रही है।
इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध जिस तरह से आमने सामने का जो टक्कर हो रहा है, तमाम जो मिडल ईस्ट देश हैं इस युद्ध में शामिल हो गए हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक विश्लेषक और जो देश दुनिया को अच्छे से समझते हैं वो लगातार आशंका जता रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के तरफ बढ़ रही है। आपको मैंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार को भी दिखाया, किस तरह से जन धन और प्राकृतिक तमाम जो जीव जंतु हैं उनका किस तरह से विनाश होता है और एक परमाणु हथियार, एक परमाणु बम करीब बरसों तक वहाँ उसके विकिरण से लोग ग्रसित रहते हैं। सोचिए जो परमाणु लैस देश हैं, किसी के पास 7,000, किसी के पास 6,000, किसी के पास 2,000, 3,000, इस तरह से जो देशें हैं वो इस विश्व का, इस धरती का क्या हश्र करेंगे। आप क्या सोचते हैं मैं कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।